इसमें जस्ट मैंने डिक्लेरेशंस पार्ट के रिगार्डिंग प्रीवियस डिस्कशन ऑफ द रूल्स फॉर क्रिएटिंग एरे, इस केस में आपको लिस्ट आउट करना है विच वन इज अ वैलिड डिक्लेरेशन विच वन इज अ इनवैलिड डिक्लेरेशन। फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में मैंने जस्ट एरे इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज क्या 10, इट इज वैलिड एरे डिक्लेरेशन। सेकेंड केस में जस्ट मैंने एरे क्रिएट किया, एरे का साइज प्रोवाइड किया जाए निगेटिव नंबर, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था एरे का साइज कैसा होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव या जीरो साइज का एरे क्रिएट करना पॉसिबल, इस केस में रेज क्या हुआ कंपाइल टाइम एरर, जस्ट एरे मस्ट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट, सेम इज नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में भी एरे का साइज क्या है जीरो, अगेन कंपाइल टाइम एरर। नेक्स्ट वन एरे के केस में जस्ट मैंने आपको बोला था एरे का साथ जीरो पास करना पॉसिबल, लेकिन नेक्स्ट केस में या जीरो पास के, लेकिन जीरो क्या है नंबर और कैरेक्टर्स सिंगल कोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया, मीन से क्या है अपने आप में आ जा कैरेक्टर्स, मीन्स फाइनली जीरो के प्लेसेस पर रिप्लेस क्या होगा आस्की वैल्यू ऑफ जीरो, और जीरो का आस्की वैल्यू क्या है आई थिंक 48, तो इस केस में मीन से इनडायरेक्टली इक्विवेलेंट किसके सप्लाइंग एरे साइज है 48, देयरफॉर इट इज वैलिड एरे डिक्लेरेशंस। नेक्स्ट वन 5.0, एरे साइज के अंदर ओनली कॉन्स्टेंट इंटीजर्स प्रोवाइड करना पॉसिबल है, फ्लोट और डबल टाइप के वैल्यू प्रोवाइड करना पॉसिबल, अगेन कंपाइल टाइम एरर। सेम एज केस में 5L, एल मीन्स लॉन्ग, लॉन्ग के कंटेंट्स भी किस फॉर्म में स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो वैलिड डिक्लेरेशंस। नेक्स्ट केस, इस केस में जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया साइज विद इनिशियल वैल्यू 5, यानी एरे के अंदर साइज के प्लेसेस पर डायरेक्टली वैल्यू सप्लाई नहीं करिए, सप्लाई क्या हो रहा है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर नॉट अलाउड, अगेन क्या आएगा कंपाइल टाइम एरर, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में एन क्या है वेरिएबल, लेकिन इस केस में एन किस टाइप का वेरिएबल, ऑर्डिनरी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स, क्लियर। इस केस में अगर बात करें पर्टिकुलर केस सी लैंग्वेज में कंपाइल करोगे, अगर आपने सोर्स फाइल का एक्सटेंशन यूज किया डॉट सी, देन ये केस कैसा है इनवैलिड कंपाइल टाइम एरर, लेकिन सेम केस सी प्लस प्लस के अंदर कैसा है वैलिड, अगर आप सी पी पी के थ्रू कंपाइल करोगे या सी पी पी एक्सटेंशन का यूज करके फाइल को सेव किया देन सेम कोड सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मीन्स इस पर्टिकुलर केस में सी लैंग्वेज के अंदर ना ही वेरिएबल्स यूज होंगे और ना ही कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स अलाउ करना पॉसिबल, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर कॉन्स्टेंट वेरिएबल साइज या एरे साइज यूज करना पॉसिबल है, क्लियर। मीन सी के केस में केस कैसा है इनवैलिड। नेक्स्ट केस मैंने एक सिंपली मैक्रो डिफाइन किया मैक्स विद वैल्यू 10, मैक्रोज का सेपरेट कॉन्सेप्ट है सी में, जस्ट नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा आफ्टर एरे मैक्रोज, मैक्रोज आर प्रोसेस्ड बिफोर कंपाइलेशन, मीन कंपाइलेशन से जस्ट पहले जहां भी आपने मैक्स यूज किया है बिफोर कंपाइलेशन मैक्स के प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा वैल्यू ऑफ मैक्स विच इज 10, इसके जस्ट बाद जब ये कोड कंपाइल हुआ तो कंपाइल टाइम पर कंपाइलर को क्या मिला इस प्लेस पर मैक्स और 10 क्या कॉन्स्टेंट, इसलिए ये किस कैसा वैल्यू, मीन फाइनली प्री प्रोसेसर कॉन्स्टेंट और मैक्रो कॉन्स्टेंट सप्लाई करना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, अगेन इस केस मैंने एरे का कोई साइज पास नहीं किया, साइज के रिस्पेक्ट मैंने जस्ट रूल प्रोवाइड किया था, इन केस ऑफ पार्शियल इनिशियलाइज, अगर आप एरे एलिमेंट्स को पार्शियली इनिशियलाइज कर दें साइज कैसा है ऑप्शनल, देयरफॉर इट इज वैलिड डिक्लेरेशंस। सेम एज इस पर्टिकुलर केस में एरे का साइज डिफाइन किया 5, मीन से एलोकेशन कितने एलिमेंट्स के लिए हुआ इस केस में 5 एलिमेंट्स के लिए, लेकिन करंटली मैंने पार्शियली इनिशियलाइज कितने एलिमेंट्स किए ओनली बिगिनिंग 2 एलिमेंट्स, देन व्हाट अबाउट रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स। पार्शियल इनिशियलाइजेशन के केस में अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को इनिशियलाइज नहीं करते अनइनिशियलाइज्ड एलिमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू सानु का ऑलवेज 0, क्लियर, दिस इज आल्सो वैलिड डिक्लेरेशंस। नेक्स्ट वन, इस केस में साइज क्या है 2, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, मींस इस केस में मैक्सिमम अप टू 2 एलिमेंट इनिशियलाइज करना वैलिड था, रिमेनिंग सारे केस कैसे इनवैलिड कंपाइल टाइम एरर टू मेनी इनिशियलाइजर्स। नेक्स्ट वन, पार्शियली इनिशियलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशंस, क्लियर, लेकिन इस केस में पार्शियली इनिशियलाइजेशन एरे डिक्लेरेशन टाइम पर प्रोवाइड किया और आफ्टर डिक्लेरेशन, आफ्टर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के बाद में एलिमेंट्स को कभी भी पार्शियली इनिशियलाइज करना पॉसिबल नहीं, अगेन कंपाइल टाइम एरर्स। नेक्स्ट वन, अगेन इस केस में एरे क्रिएट किया है, एरे को क्रिएट करने जस्ट पहले 2 वेरिएबल डिक्लेरेशंस प्रोवाइड किए, वेरिएबल एक्स वेरिएबल वाई विद इनिशियल वैल्यू 10, 20, देन इस केस में पार्शियल इनिशियलाइजेशन लिस्ट में प्रीवियस केसेस में मैंने डायरेक्टली कॉन्स्टेंट वैल्यूज पास किए थे, लेकिन इस केस में पास क्या हो रहा है वेरिएबल्स एज वेल एज फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल हुआ रिटर्न क्या करेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज 2, मीन्स पार्शियल इनिशियलाइजेशन के केस में एरे एलिमेंट्स को ओनली कॉन्स्टेंट वैल्यू से इनिशियलाइज करना पॉसिबल है, वेरिएबल्स और फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट्स आर नॉट अलाउड, स्पेशली इस रूल को याद रखना इट इज ऑल्सो इनवैलिड केस। नेक्स्ट वन, अदर रूल एक्सप्लेन किया था कभी भी एरे टू एरे डायरेक्टली असाइनमेंट करना पॉसिबल नहीं है, एरे के साथ
ना ही असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पॉसिबल, ना ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना पॉसिबल। इन दोनों ही केसेस में कंपाइल टाइम एरर मैसेज देगा एल वैल्यू रिक्वायर्ड, कंपाइल टाइम एरर एल वैल्यू रिक्वायर्ड। लेकिन एरे एलिमेंट्स को वन बाई वन इस टाइप से इनिशियलाइज करना पॉसिबल। सारे के सारे केस कैसे हैं, ऑल आर वैलिड केस। क्लियर, मीन्स एरे एलिमेंट को डायरेक्टली एरे एलिमेंट से भी इनिशियलाइज करना पॉसिबल है, वैल्यूज के थ्रू भी इनिशियलाइज करना पॉसिबल है, वेरिएबल्स के थ्रू भी इनिशियलाइज करना पॉसिबल, और एक्सप्रेशन के थ्रू भी इनिशियलाइज करना पॉसिबल। दिस इज द गिवन केस, देयरफॉर इट इज वैलिड केस। क्लियर, इट इज इनवैलिड केस।